दुश्मन क्या बोलता है कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे माल ले लूंगा, जान ले लूंगा, मकाम ले लूंगा, या दूसरा क्या करता है अपनी तरफ रगबत दिलाने के लिए पैसे की लालच देता है। मैंने परसों की मजलिस में कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह अलमयादीन पे उनका एक इंटरव्यू है, कहते हैं कि इंटरव्यू की आड़ में एक जासूस उनकी तरफ भेजा गया और कहते हैं मुझे तीन चार ऑफर दी। पहली ऑफर यह दी कि डॉलर्स में दुनिया के जिस बैंक में जितना पैसा बोलें हम आपको देने के लिए तैयार, जिस दुनिया के मुल्क की नेशनलिटी पे हाथ रखें, वीजे पे हाथ रखें, असलन ऐसा पासपोर्ट देंगे आप जहां जाना चाहें विदाउट वीजा ट्रेवल आपका फ्री। कल लुबनान की हुकूमत में जो ओहदा मांगे हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। टेररिस्ट लिस्ट से नाम निकालने के लिए तैयार हैं। का डिमांड, का डिमांड ये नहीं कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, डिमांड ये नहीं, डिमांड ये है कि आप मुसल्लहाना जिद्दोजहद को क्या करें, खत्म कर दें। मैंने कहा ना ये राह है विलायत रुकती नहीं, इसके मसादीक हर जमाने में आपको नजर आते हैं। रसूल खुदा को कहा कि आए मोहम्मद अरब की जिस लड़की पे हाथ रखो, जिस कबीले के सरदार की बेटी के लिए बोलो हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। फरमा जितना सोना बोलो तुम्हारे वजन से ज्यादा, एक तराजू में तुम बैठो दूसरे तराजू में हम सोना रखेंगे, जो माल चाहिए दौलत चाहिए हम तुझे देने के लिए तैयार हैं, जो ओहदा बोलो हम तुझे देने के लिए तैयार है। का डिमांड, का डिमांड यह है कि तौहीद से हाथ हटा दो। तो उस वक्त नबी ने फरमाया कि मेरे एक हाथ में सूरज रखो दूसरे हाथ में चांद रखो मैं फिर भी अपने रब को छोड़ने के लिए तैयार रही हूं। अब भाई उस किरदार पे आज भी कोई मिसदाग चाहिए कि नहीं, क्या मुसलमान सिर्फ अपनी तारीख पे नाज करता रहे कि मेरा रसूल ऐसा था, मेरा मौला ऐसा था, मालिक ऐसा था, अबू जर ऐसा था, भाई आज भी तो कोई मिसदाग दिखाओ। तो यही तो हाल मुसलमानों का है कि सिर्फ तारीख पे नाज करते रहते, हम बड़े तरक्की याफ्ता थे, हम बड़े साइंसदान थे, हम बड़े ये थे, हम बड़े वो थे, कहते भाई आज क्या है, जिल्लतों में तुम, खार तुम, कर्जे वाले तुम, भिकारी तुम, अंग्रेजों की हाकिमियत में तुम, आज क्या है। तो आज अगर कोई मसादीक में किरदार में कोई मिसदाक दिखा सकता है वो अली का चाहने वाला दिखा सकता है। का जितनी दौलत चाहिए, जिस मुल्क का पासपोर्ट चाहिए, जो होता चाहिए देने के लिए तैयार हूं। सैयद हसन ने कहा कि मैं उस मौला का मानने वाला हूं जिसने कहा तुम्हारी दुनिया अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये अलाओ बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इनके दिलों को सुकून माल दुनिया नहीं देता। देखिए हर इंसान को खुदा ने कहा कि एक दुआ मांगो और वो दुआ यह है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला। फिर खुदा से पूछा खुदा ये सीधा रास्ता किसका है, कसरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता है जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। कौन सी नेमत, मुराद नेमत क्या है? शायद आप बोले मौलाना ये माल, ये दौलत, ये बड़ा घर, ये बड़ी गाड़ियां, ये नेमत है। जिस तरह आज का मालदार बोलता है ना मैं अल्लाह की नेमतों में हूं, अल्लाह ने घर दिया गाड़ी दी। अब ये सादा सा मोमिन जिसके पास शायद बड़ा घर ना हो, उसके घर में स्विमिंग पूल ना हो, उसके पास बड़ी गाड़ियां ना हो, वो जेट जहाजों में घूमता ना हो, तो अल्लाह कहता है किन के रास्ते पे चलो, जिनके शामिल हाल मेरी नेमतें हैं,